हम इसके पहले आपको 5 क्वेश्चंस करा चुके हैं कंप्यूटर के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी हम आपके साथ 5 क्वेश्चंस पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, और देखते हैं कि आपका कितना आंसर हमारे आंसर से मैच करता है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए, ये पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स है यूजीसी नेट का, इस यही पेपर आपका जेआरएफ तय करता है। बिल्कुल श्योर फ्रेंड, यही पेपर आपका जेआरएफ तय करता है, इसलिए इस पेपर की प्रैक्टिस ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रैक्टिस होता रहेगा तो फर्स्ट पेपर आपका बहुत इजीली तरीके से इतना नंबर लाएगा कि आपके सेकेंड को जेआरएफ में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि आपके सेकेंड पेपर का जो मार्क्स आता है वो अगर नेट लेवल का है तो वो जेआरएफ में वो कन्वर्ट कर देगा। चलिए फ्रेंड्स, इस पे बाद में बातें होंगी, सबसे पहले शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि आकार यानी कि साइज़ के आधार पर सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सेकेंड है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन थर्ड है माइक्रो कंप्यूटर, या ऑप्शन फोर्थ है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कैटेगरी दी गई हुई है ऑप्शन में कंप्यूटर के साइज़ के आधार पे, और इसमें से आपको बताना है कि सबसे छोटा कंप्यूटर साइज़ के आधार पे कौन सा होगा। फ्रेंड्स, आपको बताना होगा यहाँ पे, और आपको 10 सेकेंड का हम टाइम दे रहे हैं, 10 सेकेंड टाइम लीजिए, क्योंकि जितना फास्ट करेंगे एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत बेहतर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मान लीजिए तो 40 to 45 सेकेंड ही मैक्सिमम टाइम आपको लेना है, नहीं तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होने में फ्रेंड्स बहुत सारा परेशानी को फेस करने लगेंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट पेपर नीचे चला गया तो आपका सेकेंड का भी ले गया बंटाधार कर जाएगा, ये भी जानिए। अगर फर्स्ट पेपर अच्छा खासा स्कोर गेन करते हैं तो आपका सेकेंड पेपर को भी ये फटाफट ऊपर ले जाएगा और नेट को जेआरएफ में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे आपके। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि आकार यानी साइज़ के आधार पर सबसे छोटा कंप्यूटर, तो सबसे पहले आपको ध्यान करना पड़ेगा कि कंप्यूटर्स का कैटेगरीज जो साइज़ के आधार पर बनाया गया वो कौन सा था। तो फ्रेंड्स देखिए, 5 कैटेगरी बनाई गई थी, जो मेन है वो है आपका पहला माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड है पर्सनल कंप्यूटर, थर्ड है मिनी कंप्यूटर, फोर्थ है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और पांचवा आता आपका सुपर कंप्यूटर। ये 5 कैटेगरीज बनाई गई साइज़ के आधार पे। ओके, आपको ध्यान रखना है, ये याद रहेगा तो शायद सबसे बड़ा बोले या सबसे छोटा बोले, आपको यही दो फ्रेंड्स मेन होता है, तो आपको बस यही याद रखना होगा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रेंड्स इसी पे क्वेश्चन उठते हैं। तो देखिए, हमने पूछा क्वेश्चन में आपको आकार के आधार पे, तो मैंने आपको 5 जो कंप्यूटर थे कैटेगरीज बनाए गए थे साइज़ के आधार पे, तो हमने 5 बताया, और 5 में कौन सा सबसे पहले है हमने बताया, वो सबसे छोटा है, और जैसे मैंने लास्ट बताते हम गए वो फ्रेंड्स बड़ा आकार में होता चला गया, यानी छोटे से बड़ा। तो पहला कौन सा था वो बताएगा, माइक्रो कंप्यूटर, वो सबसे छोटा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन यहाँ पे निकल आया कि ऑप्शन थर्ड, यहाँ पे देखिए माइक्रो कंप्यूटर, ये सबसे छोटा होता है फ्रेंड्स। और इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत होती है कि ये सबसे छोटा कंप्यूटर होने के साथ इसमें ALU एवं CPU एक ही चिप में लगे होते हैं, यानी कि आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस आपका अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो ALU होता है, गणनाओं का काम करता है, वो एक ही चिप पे लगे होते हैं, यानी ALU और CPU, ये ध्यान रखना होगा। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ALU और CPU जो होता है आपका किस कंप्यूटर में एक ही चिप पे लगा होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड, ये था आपका माइक्रो कंप्यूटर, और देखिए यहाँ पे हम बता दें कि मिनी कंप्यूटर को भी आपको लगेगा कि ये सबसे कंप्यूटर छोटा हो, लेकिन नहीं, ये देखिए तो सबसे बीच में है, ना सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है, तो ये कंप्यूटर ऐसी क्षमताओं से युक्त होते हैं और एक ही समय में कई यूजर्स यानी प्रयोक्ताओं, यूजर्स का
फ्रेंड्स, ये बहुत सारे यूजर्स एक साथ यूज कर सकते हैं और ये डेटा को अधिक तेज़ी से संशोधित करता है। आपको ध्यान होगा, ये फ्रेंड्स ध्यान करना होगा। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आपका पर्सनल कंप्यूटर्स का यहाँ पे कैटेगरी बनाया गया किस आधार पे। ये है फ्रेंड्स सिंगल यूजर सिस्टम, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है और इनका उपयोग सामान्य तौर पे अगर देखें तो बिजनेस यानी कि व्यवसाय में होता है। और आपका कौन सा आ गया, अब बचा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है फ्रेंड्स, ये आपका अति उच्च स्तरीय भंडारण क्षमता का होता है, यानी बहुत बड़ा स्टोरेज क्षमता का ये होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये कैटेगरी जो बनाया गया उसमें ये चौथे नंबर पे, यहाँ पे भी चार है और कैटेगरी में भी चौथे नंबर पे है। और ये साइज़ में यानी कि स्टोरेज साइज़ में बहुत बड़ा होता है ये कंप्यूटर। ये डाटा की बहुत बड़ी मात्रा तेज़ी से चेंजेस करता है और इनका उपयोग बैंकों की बड़ी कंपनियों में, यानी कि बैंकों या बड़ी कंपनियों में या सरकारी विभागों में होता है। ये ध्यान रखिए फ्रेंड, स्टोरेज इसका ज़्यादा होता है, कैपेसिटी ज़्यादा होता है। ये होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके फ्रेंड, चलिए बहुत बड़ा डिस्कस हो गया इस पे क्वेश्चन पे, हमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए हम भागते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हार्डवेयर इसमें से कौन नहीं है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, यानी कि हार्डवेयर दिया गया है, ये सोच के सीधे क्वेश्चन मत डालिएगा, नज़र पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा फ्रेंड्स। हार्डवेयर इसमें से कौन नहीं है, सबसे पहला ऑप्शन है आपका साउंड कार्ड, सेकेंड आपका पेरिफेरल, थर्ड आपका SMPS, फोर्थ आता है आपका फायरफॉक्स। फ्रेंड्स आपके पास चार यहाँ पे ऑप्शन हैं, आपको बताना होगा कि इसमें से हार्डवेयर कौन नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद होगा कि हार्डवेयर वो होते हैं, वो उपकरण होते हैं जिसको हम छू सकते हैं और जिसके सहायता से कंप्यूटर का निर्माण होता है, यानी ये पुर्जे कल पुर्जे या जो भी चीज़ें कहें ये कंप्यूटर के होते हैं जिसको हम अपने हाथों से छू सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए साउंड कार्ड जो आता है, तो फ्रेंड्स ये साउंड कार्ड जो है ये कार्ड लगता है कंप्यूटर में हार्डवेयर के रूप में, तो इसको आप छू सकते हैं। और सेकेंड आपका आता है पेरिफेरल, तो फ्रेंड्स ये पेरिफेरल जो है ये आपका हार्डवेयर का ही रूप है। पेरिफेरल्स हैं क्या, पेरिफेरल्स हैं वो डिवाइसेस जिसके माध्यम से आप इनपुट देते हैं और कंप्यूटर में फ्रेंड्स आपको आउटपुट देखने का कार्य कराती है, यानी कि पेरिफेरल्स डिवाइस जो कंप्यूटर में लगे होते हैं, यानी कि कीबोर्ड से आपने इनपुट दिया और डिस्प्ले से आपको जो दिखाई दे रहा है, तो क्या है डिस्प्ले और कीबोर्ड ये सब आपके पेरिफेरल्स डिवाइस में आते हैं। माउस आपका, आपका प्रिंटर्स, जो भी उपकरण कंप्यूटर से जुड़े हैं वो पेरिफेरल डिवाइस में आते हैं, आपके साउंड स्पीकर भी। ओके तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका थर्ड आता है SMPS, तो फ्रेंड्स ये भी आपका हार्डवेयर का ही रूप है, इसको भी आप छू सकते हैं, आप टच कर सकते हैं। ये इसका यानी कि इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि आपके कंप्यूटर्स में पूरे के पूरे जो पावर तंत्र है यानी कि सप्लाई लाइट का, वो ये SMPS ही करता है। कभी आप कंप्यूटर में देखिएगा पीछे जो लगा होता है पुराने कंप्यूटर जो PC में जो आपका CPU होता है, अगर आप पीछे देखें तो वहाँ पे दिख जाएगा फ़ैन लगा होता है और इस आकार का होता है, उसमें यहाँ पे फ़ैन लगे होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे पीछे वायर निकले होते हैं, इसमें कनेक्ट होता है फ्रेंड। ये आपका पावर जो होता है उसको चेंजेस करने का काम भी करता है, ओके कन्वर्ट करने का काम भी करता है ये पावर को, और ये कंप्यूटर के अन्य उपकरणों को भी पावर सप्लाई प्रोवाइड कराता है फ्रेंड। ये बस आप ध्यान में रखिएगा, SMPS जो है वो कंप्यूटर में पावर सप्लाई का काम कराता है फ्रेंड। ये ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर्स के सभी जो पावर का काम पूरा करवाया जाता है, तो वो हो गया SMPS। तो फ्रेंड ये भी हार्डवेयर है। अब आते हैं आपका
लास्ट पे फायरफॉक्स। तो फ्रेंड्स फायरफॉक्स को याद रखना है कि आप इसको अगर कंप्यूटर्स में कहीं यूज किए होंगे तो आप जान जाएंगे, अगर नहीं यूज किए हैं तो फ्रेंड्स ये जो आपका फायरफॉक्स है वो जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, यानी कि ये सॉफ्टवेयर है फायरफॉक्स, ये एक एप्लीकेशन है जो हमें इंटरनेट पे ब्राउजिंग का यानी सर्फिंग का फ्रेंड्स फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ओके तो चलिए फ्रेंड्स ये था आपका यहाँ पे सातवां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे भी ज़्यादा डिस्कस हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आठवें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन है इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है। ऑप्शन फर्स्ट है एंटीवायरस, ऑप्शन सेकंड है एमएस वर्ड, ऑप्शन थर्ड है डॉस या ऑप्शन फोर्थ है ऑल यानी कि सभी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन है, आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, आपको अगर याद होगा तो सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम होता है किस लिए, ये ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच और यूजर्स के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, वर्क कराने के लिए, मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर यही कहलाता है। सॉफ्टवेयर के टाइप भी होते हैं, यही नहीं कि सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर बोलें, यही होता है इसके टाइप होते हैं। वो टाइप होते हैं आपका फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड आपका होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये थ्री टाइप के होते हैं। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान होगा या ध्यान नहीं होगा तो अब ध्यान रख लीजिए। सेकंड और थर्ड जो होता है ना, इसका उपयोग हम डायरेक्टली तौर पे कर लेते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम ऑप्शन पे चलते हैं कि एंटीवायरस, देखिए एंटीवायरस आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस होता है क्योंकि उसका उपयोग सिर्फ आप देखें तो जो होता है आपका ये वैसा प्रोग्राम होता है जिनका उपयोग ऐसे कई एप्लीकेशन प्रोग्राम में होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर को डिबग करना या डेटा को ठीक करने का काम। आपका एंटीवायरस तो पता ही होगा कि क्या काम करता है, ये कोई प्रॉब्लम हो गई उसको रिस्टोर करना, उसको सही करना, या आपके प्रोग्राम में कोई वायरस लग गया है उसको किल करना, ये काम होता है, उसको हटाना एंटीवायरस होता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इस पर हम जाके कोई ग्राफिक्स या पेंटिंग थोड़ी करते हैं, तो ये आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। सेकंड आपका आता है एमएस वर्ड, एमएस वर्ड ध्यान होगा, ये एमएस वर्ड पे आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट तौर पे काम करते हैं, एमएस वर्ड पे जाके टाइपिंग करते हैं, टाइप कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप सेव कर सकते हैं वहाँ पे। तो फ्रेंड्स एमएस वर्ड जो होता है ये आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये आपका यूजर के लिए माध्यम से फ्रेंड्स ऑपरेट होता है, यानी यूजर डायरेक्ट तौर पे ऑपरेट कर सकता है इसको। ओके ये ध्यान रखना होगा, आप जो भी ऑपरेट करते हैं डायरेक्टली तौर पे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये ध्यान देना होगा आपको। जैसे एमएस वर्ड के अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसका आप यूज करते हैं, एमएस एक्सेल यूज करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। थर्ड यहाँ पे है डीओएस यानी कि डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेक्ट आंसर होगा, ये ऑल नहीं, क्योंकि हमने इसको कैटेगरी बना दिया, यहाँ पे अलग अलग हो गए। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम को तैयार करता है, आप जो कमांड देते हैं उस कमांड के अनुसार काम करने के लिए, यानी कि आपकी भाषा को कंप्यूटर डायरेक्ट तौर पे समझता नहीं है, तो उसके हार्डवेयर कैसे आप काम करेंगे, तो आप जब कमांड देते हैं
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि कमांड देता है हार्डवेयर को, उसका काम करवाता है यूजर्स के लिए जैसा यूजर्स चाहते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको इजी वे में समझाएं तो यहाँ पे ऐसे देखिए, ये आपका हार्डवेयर हो गया, ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ये आपका आता है एप्लीकेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन अदर चीज़ ये यूजर यूज करता है डायरेक्ट तौर पे, और यहाँ पे अगर कोई काम करवाना है तो फ्रेंड्स आप देखिए ये डायरेक्ट तौर पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमारा ये जो पूरा पार्ट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ये ऑपरेट करता है पूरे सिस्टम को। ओके, आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि हम जो एप्लीकेशन यूज करते हैं तो एप्लीकेशन के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड देता है, ऑपरेट करवाता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, और उसके अनुसार से कंप्यूटर आपका काम करता है। चलिए छोड़ते हैं इस मुद्दे को, बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर DOS है यानी कि DOS, और अदर भी हैं, आजकल विंडोज़ 9 है, विंडोज़ 10 है, और विंडोज़ के बहुत सारे, पहले विस्टा है, इसके पहले था, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ये कंप्यूटर को ऑपरेट करवाने का काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 है आपका, अबेकस का आविष्कार कब हुआ? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा ये काफ़ी। अगर देखें तो प्रीवियस यानी कि लो लेवल का क्वेश्चंस है, लेकिन फ्रेंड्स अगर ये ध्यान नहीं होगा तो ये क्वेश्चंस फंसा देगा, क्योंकि ये फंडामेंटल में आपके आता है कंप्यूटर के। ओके, क्योंकि ये सब चीज़ें, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का इतिहास, ये सब फंडामेंटल है, ये फ्रेंड्स नींव तैयार करता है कंप्यूटर की पूरा का पूरा समझने में। तो देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट है, अबेकस का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन फर्स्ट 1617, ऑप्शन सेकंड 16वीं शताब्दी, ऑप्शन थर्ड 1442 या ऑप्शन फोर्थ, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स 1462 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस समय आविष्कार हुआ था ईनियक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कम्युनिकेटर, सॉरी कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर यानी ईनियक, ENIAC, ये था 1942 में इसका आविष्कार हुआ था, और किसके द्वारा? जेके एकर्ट और JW मोसले के द्वारा। ये हो गया आपका 1617, ये भी नहीं होगा, ये आपका हो गया इसमें से कोई नहीं, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, तो फ्रेंड्स ये आ जाता है 16वीं शताब्दी। अब एस्कर्स का आविष्कार 16वीं शताब्दी में हुआ था, और आविष्कारक के रूप में ये चीन आता है, इसके आविष्कार के रूप में चीन आता है, और अबेकस को ही कंप्यूटर डेवलपमेंट का फ्रेंड्स रूट कहा जाता है। अबेकस के माध्यम से ही कंप्यूटर को जनरेट करने का यानी कंप्यूटर को बनाने का एक सहारा मिला अबेकस के ही द्वारा। अबेकस क्या था आपको हम बता दें, अबेकस चीन के एक खेल का यानी कि एक खेल का पार्ट का एक टूल था, जिसमें ऐसे लगा होता था और इसमें कुछ गोले गोले छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते थे, और उसमें हम लोग उसको फिरोते थे, ऐसे इसमें फिरोते थे, जैसे इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, तो ऐसे हम लोग उसको अप डाउन करके उसको सिखाते थे, पहले में ज़्यादा या दूसरे में कम, या पहले में कम दूसरे में ज़्यादा, ऐसे करके उसको 1 2 3 ऐसे बढ़ाते जाते थे। तो ये खेल था, लेकिन इस खेल को कैलकुलेशन का भी, इस खेल से कैलकुलेशन का भी फ्रेंड्स एजुकेशन यानी कि हम शिक्षा देते थे, हम नहीं चीन के लोग, खेल में ही फ्रेंड ये सीखने का भी काम करता था ये टूल। तो इसी को कंप्यूटर के फ्रेंड्स आविष्कार के लिए चुना गया स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर का काम क्या था आपको पता होगा, सिर्फ ओनली गणना करना, कैलकुलेट करना, और जब बन के निकल के आया तो सबसे पहले कैलकुलेटर ही फॉर्म में दिखा सबसे सही,
जो कंप्यूटर का प्रीवियस अगर कहें तो रूप कैलकुलेटर ही आता है, वही कैलकुलेटर डेवलप करके आज आपका मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स बन गया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके, तो 16वीं शताब्दी में अबैकस का आविष्कार हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को भी अब हटाते हैं, बहुत हो गया इस पर चर्चा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आगे आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इनमें से, यानी इनमें कौन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट एमएस ऑफिस, सेकेंड व्हाट्सएप, थर्ड एनटीए स्टूडेंट या ऑल, यहाँ पे ऑल सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब टाइम ज़्यादा नहीं आपको लगाना होगा, आंसर आप पक्का 100% हम जानते हैं दे चुके होंगे। देखिए ये सभी सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को आप छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग होता है जो ऑपरेट करवाने का काम करता है यूजर्स और हार्डवेयर के बीच में। तो फ्रेंड्स ये जो है ये आपके सभी के सभी सॉफ्टवेयर का ही रूप है, ये सॉफ्टवेयर ही हैं, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल यानी कि सभी। ओके फ्रेंड्स, चलिए हमने समय आपका ज़्यादा लिया, लेकिन फ्रेंड्स जैसे समय अगर आप ज़्यादा इस क्वेश्चन पे दिए हैं तो फ्रेंड्स आशा करते हैं इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। क्वेश्चन तो 5 थे लेकिन इसमें से 25 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं करते हैं आपके लिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।